नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने बागी नेताओं पर कड़ा एक्शन ले लिया है। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर 8 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं में संदीप गर्ग, रणजीत चौटाला, जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादियान, बच्चन सिंह आर्य का नाम शामिल है। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत प्रभाव से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने जिन्हें पार्टी से निकाला है उनमें वो नेता शामिल हैं जो लाडवा, असंध, गन्नौर, सफीदो, रानिया, महम, गुरुग्राम और हतीन से पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, रानिया से रणजीत चौटाला, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हतीन से केहर सिंह रावत निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए हैं। इन्हें बीजेपी ने 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सब में रणजीत चौटाला का नाम चर्चा में है। रणजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वहीं रानिया से टिकट ना दिए जाने से नाराज थे। रणजीत चौटाला पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। असंध से योगेंद्र राणा, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, सफीदों से राम कुमार गौतम, रानिया से शीशपाल कंबोज, महम से दीपक निवास हुड्डा, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा और हतीन से मनोज रावत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में 6 प्रत्याशियों को पार्टी से निष्कासित करने पर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इसको लेकर किस तरह का खामियाजा भुगतती हुई नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावती सुर देखे जा रहे हैं और ऐसे में तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस और उनके अलावा अन्य दलों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिन 6 उम्मीदवारों पे यहाँ पर कार्रवाई करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है, क्या वो 6 उम्मीदवार अब दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे या फिर जेजेपी की तरफ जाएंगे? और ऐसे में किसी भी पार्टी का रुख करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की राह में रोड़ा बनती हुई नजर आ सकती है और सीएम नायब सिंह सैनी का सीएम बनने का सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। और ऐसे में साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के अंदर भी बगावती सुर देखे जा रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपने आप को सीएम पद के दावेदार मान रहे हैं। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बीच जो अंतर्कलह है उसमें कौन सी पार्टी फायदा उठाती हुई नजर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।